एक एक करके करो। अंजलि की शादी कर ससुराल पहुंचने के साथ ही उसकी सास के हुक्म शुरू हो जाते हैं। हो गई शादी, बस मौज खत्म, कल से जल्दी उठकर काम पर लग जाना है। अरे माँ, आज ही यहाँ आई है, इसे सब समझने के लिए कुछ दिन तो दो। मेरे और बहू के बीच की बात है, तू घर के मामले में ना बोलियो। इस पर जतिन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और सास अंजलि को काम की लिस्ट सुनाने लगती है। सुबह पहले घर की सफाई करनी है, फिर कपड़े धोने हैं, साथ में खाना भी बनाना है। एक की वजह से दूसरा काम रुकना नहीं चाहिए है? जी मम्मी जी, ठीक है। ये कहकर अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि, मम्मी हमेशा बोलती थी बहू आएगी तो उनका काम हल्का होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो काम हल्का करने की जगह टाल ही देंगी। कुछ नहीं होता, ये सब मैं अपने घर में भी तो करती थी, मुझे आदत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कुछ हो तो बता देना। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह से अंजलि जल्दी उठ के सास के बताए कामों में जुट जाती है, जिसमें वो जैसे ही कपड़े धोने लगती है तो सास वहाँ आ जाती है। अरे सुनो, ये कपड़े ऐसे नहीं धुलेंगे, सबको डिवाइड कर फिर एक एक करके अलग अलग धोने हैं। क्या, एक एक कपड़ा अलग करके? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? वही बोला है मैंने, लग जाओ काम पर है। सास की बात मानते हुए अंजलि एक एक करके कपड़े धोना शुरू करती है, जिसे करते हुए आधा दिन बीत जाता है। अरे रे, सुबह से कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला, अभी तो खाना भी बनाना है। अंजलि भागते हुए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास पहले से ही उसे खड़ी मिलती है। खाना बना लेना, देखो पहले पकोड़े तल दो और एक एक पकोड़े अलग अलग तलना, नहीं तो कोई कच्चा कोई पक्का रह जाता है। सास की हर बात में एक एक की कहानी अंजलि के समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले काम करती रहती है। अगली सुबह फिर वही शुरू होता है और सास एक बार फिर खाने के समय रसोई में आती है। आज क्या बन रहा है, है? वो जतिन ने भिंडी की सब्जी, रोटी और धनिये की चटनी बोली है, इसलिए वही बना रही हूँ। अरे वाह जी वाह, बढ़िया है। पर भिंडी एक एक करके धोना, फिर टॉवेल से पोंछ कर एक एक करके ही काटना, साथ ही धनिये की पत्ती भी एक एक करके ही धोना। अरे पर मम्मी जी। अरे क्या पर, सफाई का ध्यान रखना आता भी है या नहीं है? मैं ये सब सबकी हेल्थ के लिए ही तो कर रही हूँ ना, और तुम अर पर करती रहती हो है? सास की बातें सुन अंजलि हैरान रह जाती है। मैं तो सिर्फ सोचती थी कि जानबूझकर मेरा काम बढ़ाने के लिए ये सब करती हैं, पर ये तो काम बढ़ाने के साथ परेशान भी करना चाहती हैं। मैंने इनकी कौन सी बहस खोल दी जो इतनी दुश्मनी निकाल रही हैं, अब क्या करूं? अब अंजलि सास की बातों और हरकतों के बीच फंस जाती है। काम के लिए मना भी नहीं कर सकती, नहीं तो जाने कौन सा ड्रामा खड़ा कर दे, पर अंजलि तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतनी देर में जतिन भी वहां आ जाता है। अरे कौन ड्रामा खड़ा कर रहा है और क्या करना पड़ेगा? जतिन की बात सुन अंजलि सोच में पड़ जाती है। इन्हें सच बताऊं या नहीं, पर अगर ये गुस्सा हो गए तो? वैसे भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, फिर उनके खिलाफ कुछ सुन कैसे लेंगे? अंजलि ये सब सोच ही रही होती है कि जतिन फिर बोलता है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मैं टीवी सीरियल के बारे में सोच रही थी, यहाँ और कौन ड्रामा करेगा। अरे तुम भी ना, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि सास को सबक सिखाने के लिए अलग अलग प्लान सोचती रहती है, पर उसे सास के एक एक करके काम करवाने की आदत बंद करने का कोई तोड़ नहीं मिलता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं मैं एक दिन अपने सिर के बालों को भी एक एक करके सुलझना ना शुरू कर दूं। पगली हो गई है क्या, अकेले में क्या बड़बड़ किए जा रही हो? वैसे आज खाने में क्या है? आलू की सब्जी। तो फिर आलू को अच्छे से काट कर उसके कटे हुए कपड़ों को एक एक करके ही धोना है। बिल्कुल,
इसे कैसे भूल सकती हूँ, मेरे जी को झंझोल। अरे बातें कम काम ज्यादा है। अंजलि एक बार फिर सास के कहे अनुसार काम करने लग जाती है, जिसमें सब्जी बनाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी सुनिए जरा इधर तो आना। अंजलि की आवाज सुन सास रसोई में आती है। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ कर चिल्ला रही हो? कुछ नहीं, वो सुबह कपड़े धोने की जल्दी में नहाई नहीं थी और अब शाम की पूजा भी करनी है, तो आप जरा सब्जी देख लीजिए ना, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अंजलि सास को रसोई में छोड़कर नहाने चली जाती है। इसी तरह देखते देखते 4 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलती, जिसे देख सास उसे आवाज लगाती है। अरे बाथरूम में ही समाधि लगा ली क्या? यहाँ सब्जी बनकर ठंडी भी हो गई और अभी तक तेरा नहाना खत्म नहीं हुआ। मम्मी जी जैसे आप कहती है ना, मैं वैसे ही एक एक करके अपने बाल शैम्पू कर रही हूँ, तो अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक काम और जतिन को खाना सर्व करना आप संभाल लेना। इस तरह अपने नहले पर बहू का दहला देख सास शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद से घर में एक एक करके करने का आलाप बंद हो जाता है।